मैं आज क्लास 7 साइंस की बात करने जा रहा हूँ। साइंस के पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। पहला चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चैप्टर का क्या नाम है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम बात करते हैं न्यूट्रिशन होता क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। प्लांट्स तो आप जानते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये सारे क्या प्लांट्स हैं। और न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है। तो प्लांट्स में कैसा पोषण होता है, प्लांट में पोषण कैसे दिया जाता है, वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ अ फूड। पहली चीज तो हम बात ये करना चाहते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चा, आपने पहले क्लास 6 में पढ़ा था, किसकी? फूड की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की रिक्वायरमेंट। अगर हम फूड ईट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी चलेगी नहीं चलेगी। जिस तरह बाइक को चलने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी को चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही हमें ह्यूमन बॉडी को चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? फूड की रिक्वायरमेंट। वैसे ही एनिमल्स को भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छी बात। यहाँ पे फूड, जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये जितने भी हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब किसके कंपोनेंट है, मतलब किसके पार्ट है? फूड के ही पार्ट है। ये सारी चीज हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? एनर्जी के लिए यूज करते हैं, ताकि हमारी बॉडी कैसी हो, हमारी बॉडी की स्टेमिना, सारी चीज कैसी हो, एकदम स्ट्रांग हो, इन सब का यूज इसीलिए हम करते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है, दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जितने भी ये फूड कंपोनेंट हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या फैट हो या विटामिन हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? नेसेसरी होता है। अगर ये हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। इसके लिए हमको इसकी क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। आगे इन्होंने कहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायरमेंट फूड। जैसा कि हमने पहले बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको रिक्वायरमेंट होती है फूड की। अगर उन्हें फूड नहीं मिलेगा तो चलेंगे नहीं, ठीक है। वैसे इसके बाद इन्होंने कहा, प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर थिमसेल्फ बट एनी मैन इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड क्या कर लेते हैं? हिमसेल्फ खुद तैयार कर लेते हैं अपना फूड। वो खुद तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? बिकॉज ये अपना जो फूड तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा तयार करते हैं। और इन्हें जो इनऑर्गेनिक CO2 और H2O से ये अपना क्या करते हैं? अपना फूड तैयार कर लेते हैं, C6H12O6, ठीक है ना। ये सारी चीज जैसे सन से मिलता है, आपने देखा होगा कि किसी भी प्लांट्स को अगर सन लाइट नहीं मिले तो भी वो क्या करने लगता है? वो खराब हो जाता है, डेड हो जाता है। इसलिए इसे प्लांट्स जो होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपने फूड को क्या कर लेता है? तैयार कर लेता है। बाकी जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बॉडी होते हैं ये प्लांट से फूड लेते हैं। किससे लेते हैं? प्लांट से फूड लेते हैं। बिकॉज आप जानते हैं जो ह्यूमन बॉडी होते हैं ये एनिमल को भी ईट करते हैं। यू नो दैट, जैसे चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से फूड लेते हैं। समझ में आ रही बात? चलो आगे इन्होंने बात करी है कि जो हमारा क्या कह रहा है, द ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। जो ह्यूमन बॉडी होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है, पौधे पे डिपेंड है। क्योंकि आप जानते हो कि जो प्लांट से हमको ऑक्सीजन मिलता है, हाँ या ना, अगर ऑक्सीजन हम ले नहीं तो आप जानते हो कि बिना ऑक्सीजन के हम यहाँ पर इस अर्थ पर हम जीवित या लिव नहीं रह सकते, क्या हो जाएंगे? डेड कर जाएंगे। तो आगे की बात इन्होंने कहा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बात करते हैं, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर थिमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। अब यहाँ पे वही जो अभी मैंने आपको बोला कि जो प्लांट्स होते हैं CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, इन सब का यूज करके क्या बना लेते हैं? अपना फूड तैयार कर लेते हैं। क्योंकि बिकॉज ये कैसा है? हिमसेल्फ है।
किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे क्या हिमसेल्फ अपना फूड तैयार कर लेता है। और कैसे, जो उसके सराउंडिंग होते हैं, सराउंडिंग मतलब क्या होता है, उसके जो चारों तरफ होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमने बात करी थी किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। आपको मालूम होगा कि जब हम जैसे ही हम हमारी बॉडी में जब कमी आने लगती, कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तो लोग कहते हैं ना एप्पल खाओ, ये सब सारी ग्रेप्स यूज करो, ये सारी चीज यूज करो ताकि आपकी बॉडी को क्या ग्रोथ हो। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, ग्रोथ के काम आता है। उससे हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ आता है। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है, जैसे कोई भी हमारा पार्ट से डैमेज हो जाए तो इन न्यूट्रिएंट्स का यूज करके उस डैमेज पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है।